मैंने आपको बताया था 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं कैसे, अब हम सीखेंगे 4 के टेबल से और बड़े नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। लाइक अगर हमें डिवाइड करना हो 16 डिवाइडेड बाय 4, इट मींस हमें 4 का टेबल पढ़ना है और उसमें देखना है कि 16 कितने टाइम्स में आता है। तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। हमारा 16 का कितने टाइम्स में आया, 4 टाइम्स में, यानी 16 हमारा डिविडेंड है, 4 हमारा डिवाइज़र है एंड हमारा जो सेंटर में 4 है जिसको हमने 4 टाइम्स पढ़ा, 4 को जब 4 टाइम्स पढ़ेंगे दैट मीन्स वो हमारा आंसर है, दैट इज़ 4, यानी 4 4 ज़ा 16। इसी को हम इस मेथड में करेंगे, 16 एंड 4। सेम तरीका है करने का, इसमें बस देखना है कि 4 के टेबल में 16 कब आएगा। अभी हमने देखा 4 4 ज़ा 16, तो हमारा यहाँ जो 16 आंसर है वो हम 16 के नीचे लिखेंगे, हम माइनस करेंगे और हमारा जो सेंटर में 4 है वो हमारा क्वोशेंट है, उसे ऊपर लिखेंगे। अब हम 16 में से 16 माइनस करेंगे, 6 में से 6 माइनस किया मींस 0, 1 में से 1 माइनस किया मींस 0। ये हो गया एक तरीका। अब हम लेंगे ये, तो हम लेंगे अब दूसरा नंबर और फिर डिवाइड करेंगे। लाइक हम लेते हैं 25। अब हम देखेंगे क्या 4 के टेबल में 25 आता है या नहीं आता है। तो हम टेबल पढ़ेंगे 4 का, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28। तो 4 7 ज़ा 28 है, इट्स मीन्स वो 25 से बड़ा नंबर है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम लेंगे 4 6 ज़ा 24, क्योंकि 25 से 24 जो है वो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, इसलिए हम कितने टाइम्स में आया है, 4 6 ज़ा मीन्स 6 हमारा क्वोशेंट है एंड 24 हमारा 25 के नीचे लिख के माइनस करना है। इट्स मीन 5 में से 4 माइनस किया 1 एंड 2 में से 2 माइनस किया 0, इसमें ये हमारा क्वोशेंट हो गया, ये हमारा डिवाइज़र हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया एंड दिस इज डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।